5 जून 2023 में आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मेष राशि। 5 जून 2023 में प्रिय मेष राशि, धनु राशि में चंद्रमा के साथ आप में से कुछ लोगों को आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी। आप खुद पर भरोसा करने और ये सब देने के लिए तैयार है। ये वो दिन है जब आप हर चीज पर अपनी प्रवृत्ति और अंत की भावनाओं पर भरोसा करते हैं और इसे जीत लेते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी अपने निर्णय को सबसे ऊपर रखने और उसके साथ चलने का संकेत देते हैं, क्योंकि ये आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाने में मदद कर सकता है। विश्वास रखे कि आपके निर्णय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित होंगे। आज नीला पहनना छोड़ दे, गलती से भी आज नीला मत पहनिए दोस्तों, मेष राशि के लिए मना किया है। शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच महत्वपूर्ण निर्णय ले। कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो, कोई भी डिसीजन करना हो तो 4 PM से 5 PM के अंदर ही लीजिए। कोई जरूरी कोई निर्णय अगर आपको लेना हो तो मेष राशि के जातकों के बारे में। 5 जून 2023 में वृषभ राशि के जातक धनु राशि में चंद्रमा के पारगमन के परिणाम स्वरूप आज आप कमजोर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े क्रोधी और चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए आज आवश्यक वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं है। वित्तीय मुद्दों मतलब फाइनेंशियली कोई भी कारण हो उसको वित्तीय कहते हैं। वित्तीय मुद्दों पर निर्णय, फाइनेंशियली कारण पर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं है आज। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप लंबे समय के किसी निवेश में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके चिड़चिड़ापन का स्रोत बन रहा है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि जब तक सही समय नहीं आ जाता, आप उसके बारे में अभी ना सोचे, और सही समय के बारे में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बल्कि आप अपने परिवार और अपने कार्यों पर ध्यान दें, अच्छी चीजें आपके पीछे खुद आएंगी। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपका समय आपके लिए शुभ है। आपका शुभ रंग मेरून है, मेरून कलर आपके लिए आज के लिए शुभ है। तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा दोस्तों जो भी यहाँ पे बोला है आपका। 5 जून 2023 में मिथुन राशि के बारे में क्या बोला है। प्रिय मिथुन, धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण मंदी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। मंदी की वजह मतलब स्लो डाउन, मतलब स्लोली बहुत ही धीमी काम करना उसको कहा जाता है। इसी वजह से आपको थोड़ी निराशा भी मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत जगह महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बल्कि इस समय का उपयोग करके चिंतन को दूर करने का प्रयास करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी के अनुसार भविष्य में अपने जीवन के लक्ष्यों की दिशा में प्रकृति को जारी रखें। इसके लिए नई नई रणनीति बनाएं। आपके दिन का सबसे भाग्यशाली समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे का है। महत्वपूर्ण कार्य इसी समय में करें। आज के लिए भूरा रंग आपका भाग्यशाली रंग है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कोई भी महत्वपूर्ण काम आप संपन्न करिएगा। इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा होगा, आपका सफल भी आपको मिलेगा। और भूरा रंग आपका लिए भाग्यशाली है, सो ये रंग आपके साथ कैरी करिएगा। कोई कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भूरा रंग आपके लिए भाग्यशाली रंग है आज के। 5 जून 2023 में कर्क राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। एक अच्छा गुणम दिन आने वाला है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आज आप बौद्धिक कार्यों और मन के मामले सक्रिय रहने और ये करियर के मोर्चा पर फायदेमंद साबित होंगे। नई कौशल और ज्ञान प्राप्त करने से आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और आप अपने बारे में अधिक आश्वस्त होंगे। दिन के अंत में आप शायद अपने प्रियजनों की संगति में विलीन हो जाएंगे। आज
के लिए एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी का कहना है कि लाल रंग आपका शुभ रंग है। सुबह 10 से 11 बजे तक आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दिन के लिए अपने लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए भाग्यशाली है। फिर से पढ़ेंगे, सुनिएगा दोस्तों। सुबह 10 से 11 बजे तक आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दिन के लिए अपने लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए भाग्यशाली है। सो अच्छे से गौर कीजिएगा इस बात को, आप चाहे तो पढ़ भी सकेंगे, मैं तो स्क्रीन पे बड़ा करके दे देता हूँ। 5 जून 2023 में सिंह राशि के जातक धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण अगर आप आज सावधान रहे तो ये मदद करेगा। अपने आप को बेकार जगहों से दूर रखें, पॉजिटिव माइंड रखने की कोशिश करें। किसी भी आवश्यक मुद्दों पर बच के रहेगा जो आपके लिए समस्या पैदा करेगा। आने वाले समय में ये समस्याएं आपके जीवन को खराब कर देंगी। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय है शाम के 4 बजे से शाम के 5 बजे के बीच है। शाम 4 PM से 5 PM के बीच आपके लिए शुभ है। सौभाग्य और समृद्धि की आकर्षित करने के लिए आज चमकीले रंग पहने। सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षण करने के लिए आप चमकीले रंग पहनिएगा। 5 जून 2023 में प्रिय कन्या राशि वाले, धनु राशि में चंद्रमा आपको आत्मनिरीक्षण करने के लिए मोटिवेट करेगा। आज आपको अपने बारे में अधिक जानने के लिए कुछ समय निकालना होगा। आज कुछ देर बैठकर अपनी यात्रा के बारे में सोचने का सही समय है। यह आप आज पहुंच पाए हैं। याद रखिए कि इस यात्रा में आपके लिए क्या चीजें पक्ष में रही है और क्या नहीं। आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। आप आज ये भी सोच सकते हैं भविष्य में आपके लिए क्या है। एस्ट्रोयोगी के ज्योतिषियों का सुझाव है कि आपकी आत्मानुभूति अपने लक्ष्यों के लिए बेहतर प्लान बनाने में मदद करेगी। जब सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शेड्यूल करने पर विचार करें, क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल समय है। आसमानी नीला रंग आज आपके लिए भाग्य लेकर आ सकता है। सुबह के 10 बजे से 11 बजे के बीच अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शेड्यूल करने पर विचार करें, क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल समय है और आसमानी नीला रंग आज आपके लिए भाग्य लेकर आ सकता है। गौर कीजिएगा दोस्तों। 5 जून 2023 में प्रिय तुला राशि वाले, धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति कुछ समस्याएं ला सकती है। ये आपको निराशा और परेशान महसूस कराएगा कि चीजें आगे चलकर कैसा आकार लेंगी। आप अपनी भावनाओं पर इस हद तक नियंत्रण खो देंगे कि आप अपने प्रियजनों और अपने आसपास के लोगों को निराशा कर सकते हैं। जल्दी और तुरंत निर्णय लेकर अपनी क्षमता में सुधार करें। अनचाहे मुद्दों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। एस्ट्रोयोगी के ज्योतिषियों का सुझाव है कि शांत रहे, आराम करें और अपनी निराशा को नियंत्रित करें। ये एक अस्थाई समय है और जल्द ही गुजर जाएगा। आपका भाग्यशाली रंग आज के लिए नीलम वाला नीला रंग है और आज आपके लिए सबसे अच्छा समय दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच है। 12:30 PM से 2 PM के बीच है। 5 जून 2023 में प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, धनु राशि में चंद्रमा आज आपको खुश कर रहा है और कुछ मौज मस्ती करने के मूड में है। इस समय अपने कुछ करीबी दोस्त को कुछ सुखद एक्टिविटीज के लिए इनवाइट करने का ये अच्छा समय है। आखिरकार कुछ करीबी दोस्त को बुलाने और पूरी तरह से तर्कहीन व्यवहार करने की तुलना में अच्छा समय बिताने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। आपका सप्ताह अच्छा बीता, इसलिए फिलहाल मौज मस्ती करें।
बधाऊ को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका मुस्कुराहट के साथ सामना करना। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषियों के अनुसार आपको अपनी किस्मत में सुधार के लिए गुलाबी रंग का कुछ भी पहनना चाहिए। दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल है। 5 जून 2023 में धनुराशि के बारे में क्या बोला है। धनुराशि में चंद्रमा आपने से कुछ लोगों को लापरवाह महसूस करा सकता है। आप अपने करीबी लोगों के साथ मस्ती करने के मूड में हो सकते हैं। क्वालिटी टाइम बनाने से रिश्ते अच्छे होंगे। काम के दबाव की चिंता किए बिना परिवार के साथ का पूरा आनंद लेने का प्रयास करें। पारिवारिक यात्राएं प्यार के बंधन को मजबूत करेंगी। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी के अनुसार सफेद रंग की कोई चीज पहनने से भाग्योदय होगा। आप सफेद रंग की कोई भी चीज पहनिएगा, आपका लक आपके साथ रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच किसी भी जरूरी काम का ध्यान रखना होगा। सुबह 11 AM से दोपहर 1 PM बजे के बीच कोई भी जरूरी काम का ध्यान रखना होगा। 5 जून 2023 मकर राशि के जातक धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपने खर्चे में बचत नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति जल्द ही खत्म हो जाएगी। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, ये आपके फ्यूचर में को इफेक्ट कर सकता है। दोपहर 3 बजे से शाम के 4 बजे 4:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। दोपहर के 3 बजे से 3 PM से शाम के 4:30 बजे मतलब 4:30 PM बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। बैंगनी आपका लकी कलर होगा, मतलब पर्पल कलर आपके लिए लकी होगा। 5 जून 2023 में कुंभ राशि के जातक धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका दिन शांति से बीतेगा। आज आप अपना पूरा ध्यान अपनी चीजों पर लगा सकते हैं, अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करने और अगले दिन के लिए अपने कार्यों को निर्धारित करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। करियर में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। लाल आज आपके लकी कलर है। सुबह 10:15 से दोपहर 2 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा, मतलब सुबह 10:15 AM से दोपहर 2 PM बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। 5 जून 2023 में मीन राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। मीन राशि आज चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हो सकता है आप आज खुद को बेफिक्र महसूस करें और करीबी लोगों के साथ मौज मस्ती करने के मूड में रहे। प्रिय मीन राशि, आप परिवार के साथ आउंट्रिक पर जा सकते हैं, मतलब कोई भी फैमिली ट्रिप पर जा सकते हैं। फैमिली ट्रिप करिएगा, इसके जरिए आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए आप अपने प्रियजनों के साथ महत्वपूर्ण समय बिताए। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी के अनुसार इस पल को जियो और काम के दबाव की चिंता ना करें। इस समय का भरपूर आनंद लेने की कोशिश करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे का समय बहुत ही शुभ है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए 11 AM से 1 PM का समय बहुत ही शुभ है आपका 5 जून में। और सफेद रंग वस्त्र धारण करें, बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। आज आप सफेद रंग का वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा दोस्तों।